आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। दो दिवसीय शिविर के बाद नगर में आए कांग्रेस नेता, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने की कार्यकर्ताओं से चर्चा। कांग्रेस के पंचायती राज संगठन द्वारा नर्मदा किनारे टोकसर में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। इसके समापन के बाद इसमें शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं ने नगर में खरगोन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेंद्र पटेल के नेतृत्व में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व हरदा नगर पालिका अध्यक्ष हेमंत टाले ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा कर संगठन को मजबूत बनाने और पंचायती राज संगठन द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने की बात कही। इस दौरान सुश्री नटराजन ने बताया कि टोकसर में आयोजित दो दिवसीय शिविर के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के बारे में विस्तार से बताते हुए कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत कर देश में सर्वोदय शिविर का आयोजन कर रहा है। इसमें संविधान कैसे बना, राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भागीदारी हो सकती है, पंचायती राज के सामने क्या चुनौती है, विकास के आज क्या आयाम है और देश में दो विचारधारा है, इसमें किस तरह का अंतर है, पूर्व में जो हमारे नेता रहे उनके क्या विचार रहे, उसकी जानकारी दी जा रही है। राजीव जी ने पंचायती राज लागू कर आम जन को इसका लाभ दिया था, लेकिन आज ग्रामों में पंचायती राज की स्थिति बिगड़ गई है। कांग्रेस के जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका के जनप्रतिनिधि, आम कार्यकर्ता के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की रैली के माध्यम से संगठन की बात लेकर जाए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला, बेड़िया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शोभा पटेल, आफ्ताब हलाल, अनिल बारे, जय शिंदे, पवन इंगला, पवन अर्झरे, प्रवक्ता विवेक विद्यार्थी, नकुल पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आजाद न्यूज के लिए सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करने के लिए दो दिवसीय सर्वोदय शिविर सभी जिलों में लगा रहा है देश भर के। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी ये दो दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है। जो कल हमने एक शिविर यहाँ सनावत तहसील के ग्राम टोकसर में किया, ये ब्लॉक स्तरीय शिविर था और इसमें देश का संविधान कैसे बना, राष्ट्र निर्माण में हम सबकी क्या भागीदारी हो सकती है, पंचायती राज के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, विकास के वास्तविक जो आयाम हैं वो क्या हैं और जो देश में दो विचारधाराएं उनमें किस तरह का अंतर है और जो पूर्व में हमारे देश के नेता रहे उनके क्या विचार थे, इस संबंध में विस्तार से बातचीत की। कौन कौन थे इस आयोजन में? इसमें राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन थी और यहाँ जो हमारे स्थानीय साथी थे वो थे और मैं स्वयं थे।